कोई बात नहीं, हमने इमरान खान को वोट देना, जो भी चेंज हो जाए हमारा तो वोट इमरान खान का ही है। आश्रम में साढ़े दिल की जान है, सानू मुहब्बत है उनके नाल, साढ़े व्डे मुहब्बत करते थे, असी बच्चे उन्होंने असी भी मुहब्बत कर। इमरान खान ने भी तो मुल्क के लिए बहुत कुछ किया। इमरान खान ने कुछ नहीं किया, उन्हें उनके बच्चे मरन, उन्हें सार खाना खराब कर दिता। नवाज शरीफ नहीं है, उसने भी तो बहुत कुछ किया। नवाज शरीफ वो इतना बहादुर है कि वो कभी भाग जाता है दुबई सऊदी अरब और कभी लंदन भाग जाता है दुबई के बहाने। जो लीडर होता है ना वो बहादुर होता है, उसमें दो खूबियां होती हैं, आपको बताया कि वो एक ईमानदार होता है और एक बहादुर होता है, वो दोनों खूबियां खान साहब में है। बस आप किसको वोट देंगे? जिसको नाम लेने से पर्चा हो जाता है, इजी हो गया। आप मेरे पीछे आएंगे? कोई पीछे नहीं आता। अच्छा मुझे बताएं कि जो ठीक बात करे ये सब उसे गायब क्यों कर देते हैं? अस्सलाम वालेकुम खवातीन और हजरात, आप देख रहे हैं मुस्लिम वर्ल्ड और मैं हूँ आपकी मेजबान ज़ैनब रहमान। मैं आज मौजूद हूँ इचने में और ये हल्का असलम इकबाल का है। आइए हम आवाम से आवाम की राय जानते हैं और ये पूछते हैं वोट किसको देंगे। चेयरमैन इमरान खान, उन्होंने जो चेयरमैन मुंतखब किए मौजूदा हालात को देखते हुए गौहर खान को, क्या आवाम उससे अब एग्री है, उससे रजामंद है, क्या अब उसको वो उसको वोट देगी या नहीं देगी, जानते हम आवाम से। जी सर, आप किसको वोट देंगे, इमरान खान को या नवाज शरीफ को? इमरान खान को देंगे। क्यों? इमरान खान का तो जो चेयरमैन है वो भी चेंज हो गया ना। कोई बात नहीं, हमने इमरान खान को वोट देना, जो भी चेंज हो जाए हमारा तो वोट इमरान खान का ही है। जी सर, आप किसको वोट देंगे? मैं तो फिलहाल किसी को भी नहीं वोट दूंगा। क्यों? क्योंकि हालात ही कुछ, किसके ऊपर बंदा ट्रस्ट करे, कौन से डिपार्टमेंट आपके ठीक है? पीटीआई भी है, पीटीआई ठीक है लेकिन हमारे डिपार्टमेंट नहीं ठीक। नून लीग आप साफ देख लें, अभी तो आप कह रहे हैं पीटीआई ठीक है, तो फिर आपको तो उसको वोट देना चाहिए। लेकिन आप वोट भी दे देंगे, आपके वोट किधर जाएंगे? पहले भी सबने पीटीआई को वोट दिया, इमरान खान को वोट दिया है। ये 200-250 बंदे जो असेंबली हॉल में बैठे हुए थे, इन्होंने मिल मिला के बाहर की गवर्नमेंट से उसको उतार दिया, अभी अब हम दे देंगे तो क्या होगा? हमारी किसी की कुछ किसी नहीं चलनी। यानी कि आपको लगता है वोट अब किसी को दिया ना जाए? सारी दुनिया ने इमरान खान को वोट दिया है, इमरान खान आया था असेंबली हॉल में, क्या हुआ? रातों रात उसको उतार दिया। यहाँ पे इतने जो 22 करोड़ आवाम की जो थी एक आस उम्मीद थी, वो किधर गई? तो आपको उम्मीद है कि इमरान खान दोबारा आएगा अगर आप वोट दे दें? आना तो चाहिए इमरान खान को, इनसे कोई अच्छी तो नहीं है जो बाकी जो रह गए हैं। इमरान खान ने ऐसा क्या कर दिया, क्या क्या चीज़ें उसने बना दी हुई ऐसी कि उसको आना चाहिए? क्योंकि सर जितना भी बनाया से ना थोड़ी आस उम्मीद थी, क्योंकि एक आस उम्मीद थी कि चलो आने वाले वक्तों में, वक्ती तौर पर उसने भी बहुत ज़्यादा महंगाई की, लेकिन ये था कि आने वाले वक्तों में कुछ बेहतर हो जाएगा, कोई आवाम के लिए कुछ बेहतर सोचेगा। इन्होंने आज तक क्या किया है, ये जो रोड पुल वगैरह जो सारा कुछ दिखा रहे हैं, ये कि आपकी आवाम की हम सब की खून चूस के बनाया है। ऐसा तो नवाज शरीफ ने भी किया था, नवाज शरीफ के दौर में इतनी महंगाई भी तो नहीं थी। तो महंगाई नहीं थी, महंगाई बड़ा मसला नहीं है। हाँ। महंगाई बड़ा मसला नहीं है, महंगाई आप इंसान अफोर्ड कर ले, जब आपके डिपार्टमेंट ही नहीं ठीक होगा, आपके पैसा ही नहीं महफूज, चोरी चकारी कुछ थोड़े दिन पहले जो स्टेट बैंक में से 2 अरब रुपए गायब हो गया, वो क्या था जब आपका पैसा ही नहीं यहाँ पे महफूज? बाकी मुल्कों में भी होती है महंगाई, होती है आपके टैक्स दे दे, वो आपके ऊपर ही लगते हैं। जब आपके यहाँ पे पैसा ही नहीं, आपके इदारा ही नहीं करप्ट, यहाँ पे सारे करप्ट हैं, तो फिर वो आप कैसे सर्वाइव करेंगे? जी हमने इनकी जानी राय और आगे हम और आवाम से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं वो किसको वोट देंगे। इमरान खान ने मौजूदा हालात को मद्देनजर रखते हुए गौहर खान को चेयरमैन मुकर्रर कर दिया पीटीआई का, क्या आप इस बात से एग्री हैं कि आप उनको वोट देंगे? अब इमरान खान जिसको भी कहेगा उसको वोट देंगे, इमरान खान की जगह पे कोई भी होगा तो इमरान खान के लिए वोट देना हमने, और इमरान खान को कोई भी खड़ा करता है, जैसे जो वकील है उसका एडवोकेट कोई भी उसको आगे किया है तो हम इंशाल्लाह उसको वोट देंगे। जी सर, आप किसको वोट देंगे, क्योंकि अब जो चेयरमैन है पीटीआई का वो चेंज हो चुका है, गौहर खान अब मौजूद है, मुकर्रर है उस जगह पे, तो आप उनको वोट देंगे? तो खान खुद नहीं आ सकता, खान तो खुद नहीं आएगा मौजूदा, नहीं वो खुद नहीं आ सकते क्योंकि कुछ हालात ऐसे चल रहे हैं कि उसने हालात को मद्देनजर रखते हुए उसको उस जगह पे लाए। मेरी बात सुने, अगर खान खुद नहीं आ सकता तो खान की जगह तो कोई भी नहीं ले सकता। चलो मानते हैं खान ही, खान की जगह कोई भी नहीं ले रहा, माना कोई भी नहीं ले रहा, क्या आप उसको अब वोट देंगे? गौहर खान नहीं देंगे, फिर नहीं देंगे गौहर खान, क्योंकि खान जैसा तो कोई बन नहीं सकता। फिर मानते हैं खान ईमानदार है, सच्चा आदमी है, लेकिन पाकिस्तान में इस तरह के बंदे है नहीं। ठीक है ना, जो भी है तो उसके लिए तो उसने बंदा दिया हुआ है ना, वो तो इंशाल्लाह हम उसको देंगे। हम तो इमरान खान को वोट देंगे लेकिन उसकी जगह पे वो इमरान खान को छुड़ा लेगा? नहीं, इंशाल्लाह इमरान ने तो बाहर आना है, वो तो गलत है, झूठ है। जो इमरान खान बाहर रहेगा, इमरान खान को ही वोट मिलेंगे, अदरवाइज उनकी पीटीआई की जगह चेयरमैन कोई भी मुकर्रर, आप उसको नहीं देंगे? नहीं, उसको नहीं देंगे। फिर तो साफ बात है, वो भी इमरान जैसा तो नहीं बनेगा ना, खान जैसा तो नहीं बन सकता, वो तो फिर लुटेरा बन जाएगा, वो भी जीत जाएगा,
वो भी सीट पे बैठ गए तो वो भी लूटेगा। पीटीआई का जो है चेयरमैन वो चेंज हो चुका है गौहर खान के, अब उसको वोट देंगे इंशाल्लाह। क्यों नहीं, क्यों, क्योंकि अब तो वो चेंज हो चुका है ना। वोट इमरान खान का वो चाहेगा अपने खंबे खंबे को भी खड़ा कर देगा, वोट इमरान खान को ही डालेंगे। अगर वो खंबे को भी खड़ा कर देंगे तो हम उसको भी वोट देंगे। आते हैं और लोगों से पूछते हैं, जी मैम आप किसको वोट देंगे? इमरान खान। वो तो चेंज हो गया ना गौहर खान, क्या फर्क पड़ता है इमरान खान इमरान खान। जी सर आप किसको वोट देंगे? नवाज शरीफ। नवाज शरीफ, उसको क्यों देंगे? वो बंदा काम लगा, अच्छा बंदा। जी हम आवाम की राय आवाम से ही जानते कि वो किसको वोट देंगे आगे और किसको नहीं। जी सर आप किसको वोट देंगे? नवाज शरीफ को, और किसको देना है? क्यों, क्यों क्या है? सबसे ज्यादा बेहतरीन काम उसी ने किए हैं, तरक्याती काम उसी दौर में हुए हैं। इमरान खान के दौर में भी तो, इमरान खान के दौर में IMF के आगे पाकिस्तान को भेज दिया गया है। इमरान खान के दौर में सिर्फ दो ही बातें ही हैं, गली बातें और लॉलीपॉप। तरक्की बहुत की है इमरान खान ने गली बातों में, लॉलीपॉप दे के। तो नवाज शरीफ के दौर में ऐसा कुछ नहीं हुआ? नवाज शरीफ के दौर में प्रोजेक्ट थोड़े बनाए उसने, आप गिने सुबह से लेकर रात हो जाएगी गिनना शुरू किया तो। नहीं वो तो है, उसने काम बहुत ज्यादा किया नवाज शरीफ ने भी, मगर इमरान खान ने भी तो किया ही काम। इमरान खान ने क्या किया है चार सालों में मुझे बताएं? आईडी कार्ड, दौलत कार्ड, सेहत कार्ड दिया है बस। वो तो अब उसके शौकत खान अस्पताल चले जाए, गरीब का एक भी फ्री इलाज नहीं होता, जिसपे हम लोगों ने मैं स्कूल जाता था तो मैंने 10 रुपए दिए थे, चंदा दिया था। तो उसके गरीब, कोई गरीब अभी जाओ जाओ शौकत खान, किसी गरीब से पूछ लो कि गरीब का इलाज होता है कैंसर का, सवाल ही पैदा नहीं होता। हम और वहाँ से पूछते हैं कि वो किसको वोट देंगे? जी सर आप किसको वोट देंगे? इमरान खान। उसका तो चेयरमैन चेंज हो चुका है ना गौहर खान। देना पीटीआई को जो मर्जी चेंज हो जाए, जो मर्जी आ जाए। वो क्यों वजह? बस वो हमें पसंद है। पसंद है और कोई वजह नहीं है जो इमरान खान ने मुल्क के लिए किया? नहीं किसी ने भी कुछ नहीं किया, किया किसी ने भी कुछ नहीं, लेकिन उसने हमारे लिए बहुत कुछ किया। जी सर आप किसको वोट देंगे? मियां नवाज शरीफ जिंदाबाद। क्यों, उसको क्यों देना? मियां नवाज शरीफ में साडे दिल की जान है, सानू मोहब्बत है उनके नाल, साडे वड्डे मोहब्बत करते सी, असीं बच्चे उन्होंने असीं भी मोहब्बत करने। इमरान खान ने भी तो मुल्क के लिए बहुत कुछ किया। इमरान खान ने कुछ नहीं किया, उन्हें उनके बच्चे मरन, उन्हें तो सारा खाना खराब कर दिता। वहाँ कैसे खाना खराब कर दिया? महंगाई के लिहाज ना, पहले महंगाई कम से ज्यादा होगी। उसने तो 4 साल पूरे भी नहीं किए थे, वो 5 साल पूरे भी नहीं किए इमरान खान ने। पूरे कागा तो फिर उन्हें पूरे कागा तो नुकसान हो जाना। आप किसको देंगे? नवाज शरीफ। जिंदाबाद, जिंदाबाद। जी हम और आवाम से पूछते हैं, जी सर आप किसको वोट देंगे? नवाज शरीफ को। वो क्यों वजह? उन्होंने काम काफी किए हैं। इमरान खान ने भी किया? इमरान खान ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया, कुछ नजर नहीं आ रहा क्या किया। कोई काम ऐसा बता दें जो इमरान खान ने किया हो। उसके तो 5 साल पूरा भी नहीं ना हुआ था, 3.5 साल तो हुए ना, उसने क्या काम किया है वही बता दें। 3.5 साल में सेहत कार्ड बना और भी बहुत सी चीजें बनाई गई। ये क्या, आवाम को सहूलत भी तो मिलनी चाहिए ना। आगे हम और आवाम से पूछते हैं कि वो किसको, जी सर आप किसको वोट देंगे? खान साहब को। वो क्यों? वो नजरिए का होता है इसलिए उसको देना, वो बहादुर है, ईमानदार है, यही दो चीजें लीडर में होती हैं। नवाज शरीफ नहीं है, उसने भी तो बहुत कुछ किया। नवाज शरीफ वो इतना बहादुर है कि वो कभी भाग जाता है दुबई, सऊदी अरब और कभी लंदन भाग जाता है दुबई के बहाने। जो लीडर होता है ना वो बहादुर होता है, उसमें दो खूबियाँ होती हैं, आपको बताया कि वो एक ईमानदार होता है और एक बहादुर होता है, वो दोनों खूबियाँ खान साहब में है बस। ये नज़रिए का वोट होता है, ये सड़कें बनाने से इंसान तरक्की थोड़ी करता है। ये बल्कि अब तो चेयरमैन चेंज हो गए ना PTI का, गौहर खान आ चुका है, तो अब भी आप क्या उसको वोट देंगे? खान साहब ने जो फैसला किया सही किया, उसने अपने भतीजे को नहीं सीट दी, उसने अपनी बहन को नहीं दी, इसको नज़रिया कहते हैं, ये पार्टी वर्कर है। देखिए ना, अगर इसकी जगह बिलावल भुट्टो जरदारी होता, उसने बिलावल भुट्टो को चुनना था, नवाज शरीफ होता उसने अपने भाई छोटे भाई को चुनना था। यही डिफरेंस है जो दो, एक लीडर में और एक सीधा सीधी सी बात। आप किसको वोट देंगे? जिसको नाम लेने से पर्चा हो जाता है, इजी हो गया। आप मेरे पीछे आएंगे? कोई पीछे नहीं आता। अच्छा मुझे बताएं कि जो ठीक बात करे ये सब उसे गायब क्यों कर देते हैं? आप एंड पर बताएंगे, एंड में बता के जाएंगे। आप ये बताएंगे आप वोट किसको देंगे? इंशाल्लाह जी खान साहब को देंगे। खान साहब PTI चेयरमैन जो अब मौजूद है, उसने गौहर खान को सिलेक्ट किया है, तो उसके बावजूद भी आप उसको वोट देंगे? जी हाँ जी। क्यों? क्योंकि एक नाम नहीं, वो बन गया, वो ब्रांड बन गया हुआ है, लोगों को एक नाम पर एतमाद है, बाटा सर्विस
ये चीज़ें हैं, अब यही चीज़ हम बेच रहे हैं, ये चीज़ वहाँ पर ये 1650 की, ये हम 5-500 की दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? उसका एक नाम है, ब्रांड बन चुका है वो, माशाल्लाह ब्रांड बन चुका है वो, लोगों के दिलों में बस गया हुआ है। कुछ तो है जो 13 जमातें अकेली और ये अकेला। मैं तो यही कहूँगा कि ये वाहिद अमेरिका है जो हमारे खान को नहीं ख़रीद सका, बाकी हर चीज़ को ख़रीद ली उसने। नवाज शरीफ ने भी तो बहुत कुछ किया मुल्क के लिए। हमें भूख की ज़रूरत थी, खाना खाना था, वो पुल बनाता रहा है, ये किया कैसी बात है? पुल बनाता रहे तो उसने अवाम के लिए तो पुल बनाया, कि उसने अपने लिए तो नहीं ना बनाया? अवाम के लिए क्या बनाया मुझे जवाब दो। सीमेंट की फैक्ट्री घर की, लोहा घर का, चीनी घर की, वो सब चीज़ों वो बनाई है ना, अपना किया ना। हमें भूख लगी है, पेट दो, रोटी दो, बिजली चाहिए। छोटी एग्जाम्पल ले ले, बिजली चाहिए। अब आप पकड़ कर पुल बना दें, चल पुल तो चढ़ के जा, बिजली आइएगी, कैसी बातें हैं, क्या बनाए, ये तो ना ना करें। फिर आपके नज़रिए में इमरान खान बिल्कुल परफेक्ट है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, परफेक्ट को छोड़े मैं जानता हूँ उसके बारे में कुछ भी नहीं, आप ऐसे ही लगा लें। लेकिन ये देखें कि कुछ तो है कि वो बंदे में, कि ये सब जमाते एक तरफ, वो अकेला भेड़ा हुआ है, उसको क्या फ़ायदा? जब से छोटा था क्रिकेट खेल रहा था, ठीक है, इसको इतनी दुनिया जानती, उसको तो एक, ये हम पाकिस्तानी ही जानते होंगे, इनका तरला बड़ा मशहूर है, वो स्टेट ऐसे आंखों में आंखें डालकर बात करता जैसे कोई पता नहीं कौन है, बाहर के लोग आउट ऑफ कंट्री के जो हैं उसकी इतनी इज्जत करते हैं, आंखों में आंखें डालकर अगला बंदा बात करे। अब मुझे ये बताएं कि हम लोगों को झुक कर रहना चाहिए, बात करनी चाहिए, कि आंखों में आंखें डालकर स्टेट जैसे अगला बंदा वैसे रहना चाहिए? क्या है आपका माइंड? इज्जत ही उसमें है। अब हम बात कर रहा, कोई हमारे साथ मैसेज होकर बात कर रहे, यार ये इज्जत है? और ये इतनी पूरी पाकिस्तान के, ये दुनिया के जो ममालिक हैं, क्यों पाकिस्तान के ही पीछे पड़े हैं? है जवाब आपके पास? क्या नहीं है हमारे पास? सोना नहीं है हमारे पास? बलूचिस्तान में सोना नहीं निकल रहा? निकला, बहुत सी चीज़ें निकलती हैं वहाँ, मादनियात, एवरीथिंग। देने वाले ने तो कमी नहीं की हुई, हम उसका इस्तेमाल गलत कर ले हैं या अपना आपो ताब में पड़े हुए हैं। और अब एक बंदा ठीक चल रहा हो तो आप पकड़ कर उसको रोंग कह दें, डॉक्टर, अच्छा एटमी कुवत इसने बनाया हमें, डॉक्टर अब्दुल कदीर, उसको पकड़ कर उसी के घर में बंद कर दिया कि जी हमारे हथियार बेचने लगा था। मगर ज्यादा ना तो नवाज शरीफ का है ना जाती एटमी ताकत, तो उसने हमला करवाया था ना, इंडिया ने हमला करवाया था, उसके बाद फिर जवाबी हमला किया गया था जो नवाज शरीफ के ऑर्डर पे हुआ। देखिये मैंने इन, मैं सियासत की बात पूरी करें ना, मुझे पूरा नॉलेज नहीं है, मैं बहुत कुछ जानता हूँ जी, नेवर, मैं आपसे वो बात कर रहा हूँ जो कि मैंने अपनी आंखों से देखी है, जो कानों से सुनी है, मैं वो बात कर रहा हूँ। और अगर मैं तो कोई एक भी बात गलत कर रहा हूँ टू दी पॉइंट, तो मुझे कहें भैया आप ये बात रॉन्ग कर रहे हैं। नाम आया या क्या आया उसको छोड़ें, आपने कहा है कि कौन सही है कौन गलत है। हमने आवाम से आवाम की राय जानी, आवाम का कहने के अगर इमरान खान खंबे को भी खड़ा कर देता है जेएनएम की जगह, तो हम उसको भी वोट देते हैं। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, अल्लाह हाफिज़।